अरे कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये क्या है? तेरा दर्द समझ सकता हूँ यार, लेकिन ये सब क्या तरीका है शोक मनाने का? हाँ, अरे प्रिया आज जहाँ कहीं भी होगी, अगर वहां से तेरे को इस हालत में देखेगी तो थोड़ा संभाल अपने आप को यार, कब तक चलेगा ये सब? बाबा यू हैव टू मूव ऑन। हाँ बस बहुत हो गया, चलो जाओ जाकर शावर करो, हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं और तुम्हें हमारे साथ चलना है। बस मुझे कहीं नहीं जाना है, यू गाइस प्लीज कैरी। तुमको आना पड़ेगा, देखो हमारे खातिर नहीं, कम से कम दादी के खातिर तो तुम चल सकते हो ना। तुम्हें पता है तुम्हें ऐसे देखकर वो कितनी टेंशन में है, तुम्हारी वजह से वो कुछ खा नहीं रही है, पी नहीं रही है, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर इतनी भी परवाह ना उनकी, तुम बहस नहीं करोगे, चलोगे हमारे साथ? तो कम ऑन, उठो, तो फ्रेश आओ। ओके ओके। I'm Dr. David Matthew. How are you feeling now? Good. There's some good news for you. Ab maa banne wali hai. Yes. आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। मैंने कुछ टॉनिक लिखवाई है, वो आपको आज से ही शुरू करनी होगी, ठीक है? ऑल द बेस्ट, टेक केयर। थैंक यू।
जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। किससे बात करनी है आपको? हेलो, कैन आई टॉक टू मिस्टर राम कपूर? राम कपूर सर तो अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गए हैं, आप बाद में फोन कीजिए। हाँ, हमारे साथ यहाँ आ तो गए, लेकिन वो हमारे साथ होते हुए भी हमारे साथ नहीं। भाई इतना जल्दी तो प्रिया को नहीं भूल सकते, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे भाई से फॉर्मेलिटी के लिए जी रहे हो। फोन उठाओ ना, क्यों तंग कर रहे हो राम, फोन उठाओ ना, प्लीज फोन उठाओ ना। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू बॉदर यू, माय नेम इज राम, राम कपूर। हाय। आपकी इयररिंग्स बहुत खूबसूरत है। Thank you.
शायद राम ने मेरा अपनी जिंदगी में ना होना एक्सेप्ट कर लिया है। शायद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मेरा फिर से उनकी जिंदगी में आने का मतलब नहीं प्रिया, ऐसा नहीं करना। जिस मोड़ से राम आगे निकल गए हैं उन्हें फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा करना ये ठीक नहीं होगा। बढ़ने दे उन्हें आगे। थैंक यू। क्या मैं आपकी इयररिंग्स खरीद सकता हूँ? सॉरी, नथिंग ऑन मी कुड बी बॉट। आप गलत मत समझिए, एक्चुअली ये इयररिंग्स आपने दिल्ली में खरीदी थी, कैनोपी मार्केट शॉप नंबर 21, राइट? हाँ, पर आपको कैसे पता? दरअसल मेरी बीवी के पास भी सेम इयररिंग्स थे और एक कान का खो चुका था, तो दो बार मैं दिल्ली गया ये इयररिंग्स फिर से उसके लिए खरीदने के लिए, लेकिन दो बार खरीद नहीं पाया। क्यों? एक बार मीटिंग में फंस गया था और दूसरी बार हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ था इसलिए। आपकी वाइफ के लिए। एंड नाउ आई रियलाइज इट्स बेटर ऑफ विद यू। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। वैसे आपकी वाइफ कहां पर है? आई मीन किसी टेबल पर? नहीं। फिर कहां है वो? यहां। सॉरी आई कांट सी हर। बट आई कैन। मैं अपनी बीवी को बहुत अच्छी तरह से देख सकता हूं। आप बात ही बहुत अजीब सी करते हैं मिस्टर राम, राइट? मेरी बीवी आज आपकी वजह से बहुत खुश होगी। एक बात है, आपकी वाइफ बहुत लकी है। नहीं, मेरा मानना है कि मैं उससे ज्यादा लकी हूं। थैंक यू मिस्टर कपूर। वैसे नेक्स्ट टाइम जब आप दिल्ली जाओगे तो अपनी वाइफ से झगड़ा मत करना, फिर किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपनी बीवी से झगड़ा करूंगा। ओह हाउ स्वीट। इतनी बड़ी खुशी थी, हमारा सबसे बड़ा सपना पूरा किया, लेकिन शायद भगवान नहीं चाहते कि ये खुशी मैं किसी के साथ बांटूं। शायद ये बच्चा राम और मेरी जिंदगी में खुशी के लिए नहीं बल्कि मेरे जीने की वजह बनकर आया है। मुझे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, अपने लिए नहीं राम के लिए नहीं, लेकिन इस नन्ही सी जान के लिए शायद भगवान को भी यही मंजूर है। ये लो तुम्हारे लिए। जानता हूं बहुत देर से दे रहा हूं, लेकिन क्या करूं, कितना लकी हूं ना मैं, ऐसे वक्त पे दे रहा हूं जहां पर ना तुम पहन सकती हो और ना मैं तुम्हें इयररिंग्स में देख सकता हूं।
पता नहीं ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी खुशी की बात राम से छुपाने का मन नहीं करता। एक बार और कोशिश करके देखती हूँ, अगर राम से बात हुई तो अच्छा, और अगर नहीं हुई तो मेरी किस्मत, मैं उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाऊंगी। पता नहीं कौन बार बार ट्राई कर रहा है, लेकिन डोंट वरी, इस वक्त मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को कोई भी डिस्टर्ब करे। किसके हो सकते इतने सारे मिस्ड कॉल्स? इंटरनेशनल नंबर है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.